मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के अनुसार माह दिसंबर 2023 का वेतन जो जनवरी 2024 को दे होगा वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। इसके लिए लिंकिंग करनी होगी डीडीओ पोर्टल और मानव संपदा पोर्टल की। यह कार्य लिंकेज का कार्य वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। डीडीओ पोर्टल मानव संपदा को लिंक किए जाने के बाद कर्मचारियों का वेतन बनाने के लिए डीडीओ कार्यालय की मानव संपदा पोर्टिंग लिस्ट में कार्मिकों का ई सैलरी कोड और पैन अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा और यह व्यवस्था दिसंबर पेड इन जनवरी 2024 से लागू होगी। उक्त लिंकेज के पूर्व सभी डीडीओ द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर निम्नलिखित कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित किया जाए। अपने कार्यालय के ऑफिस एडमिन आईडी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर आईडी के माध्यम से मानव संपदा पोर्टल के रिपोर्ट ऑप्शन में पोस्टिंग लिस्ट निकालकर सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्यालय के सभी कार्मिक पोस्टिंग लिस्ट में सम्मिलित हैं, और पोस्टिंग लिस्ट में अगर सम्मिलित नहीं है तो उनको फिर अपडेट किया जाए। ये आप कहाँ से लिस्ट निकालेंगे? देखिए, पोस्टिंग लिस्ट आपको यहाँ रिपोर्ट में जाने पर सर्विस बुक स्टेटस को आप क्लिक करेंगे। सर्विस बुक स्टेटस को क्लिक करने पर आप यहाँ पर व्यू रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे तो जो भी आपके कार्मिक रजिस्टर्ड है उनका नाम नंबर सब कुछ आ जाएगा। जो कोई नहीं है इसमें तो आप उनको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आप इस रिपोर्ट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप अपने कार्यालय को चुनेंगे। कार्यालय को चुनने के बाद सारी डिटेल एम्प्लॉय की भरेंगे। सारी डिटेल भरने के बाद उसको आप यहाँ से जनरेट एम्प्लॉय कोड कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरी चीज है कि ऑफिस एडमिन आईडी से सभी एम्प्लॉयज का ई सैलरी कोड और पैन, इस ऑप्शन में जाके उनका ई सैलरी कोड और पैन अपडेट किया जाए। ये ई सैलरी कोड क्या होता है? वो संबंधित के पे बिल पर उपलब्ध रहता है और सामान्यतः ये जीपीएफ कोड अथवा एनपीएस कोड होता है। इसको करने के लिए आप इस मेन्यू में जाएंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में ये है अपडेट ई सैलरी कोड और पैन कोड। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, जैसे हमने दिखाया था दो एम्प्लॉयज के भी हैं। अभी यहाँ ई सैलरी कोड नहीं भरा है, एनए आ रहा है। इसको एक्शन के लिए यहाँ एडिट का बटन दिया गया है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके आप उसका ई सैलरी कोड भर देंगे और यहाँ पर जाकर आप पैन भर देंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे। ये कार्रवाई हो गई। अब बच गई एक आखिरी कार्रवाई, तीसरी कार्रवाई, वह है कि ऑफिस एडमिन आईडी से अपडेट ट्रेजरी और डीडीओ कोड ऑप्शन द्वारा कार्यालय का डीडीओ कोड और ट्रेजरी कोड अपडेट किया जाएगा। इसके लिए क्या ऑप्शन है? यहाँ पर मेन्यू में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अंतिम मेन्यू है अपडेट ट्रेजरी एंड डीडीओ कोड। इसको जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए अपना डीडीओ कोड आप भर देंगे, ये वन टाइम एक्टिविटी है, ट्रेजरी कोड भर देंगे, उसको सेव कर देंगे। ये कार्य करने से जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और कोई भी कार्मिक जो है वेतन बनने से नहीं, किसी का वेतन नहीं रुकेगा। ये कार्रवाई कृपया ससमय पूर्ण कर लें। धन्यवाद।